देखते हैं अब हमारा क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यूनिट 1.3 का एग्जाम्पल आप लोग कर रहे थे, तो हमने चार क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल पे। ठीक है, और ये हमारा पांचवा क्वेश्चन है, और पांचवा क्वेश्चन ये कहता है कि इफ 1/Q+R, 1/R+P, 1/P+Q आर इन AP, ये तीनों टर्म्स, ये 1/R+P, 1/P+Q आर इन AP, ये तीनों अगर AP में है तो शो करना है हमें, हमें दिखाना है कि P² Q² और R² ये AP में है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सोल्यूशन इसका क्या होगा? सोल्यूशन मैंने आप लोगों को पिछले क्वेश्चन में करा, पिछला जो क्वेश्चन करवाया था ऐसे वाला, K² (2K+4), K² (-3K+4), और एक और टर्म था कि 2K² कुछ करके, K के बेस पे था कि 2K² + 3K+4, तो ये टर्म था, तो वहां पे हमें K का वैल्यू फाइंड करना था। ठीक है, K का वैल्यू फाइंड करना था, तो उसी तरीके से यहाँ पे तीन टर्म दिया हुआ है। पहला टर्म 1/Q+R, दूसरा टर्म है हमारा 1/R+P, और तीसरा टर्म है 1/P+Q। तो ऐसे क्वेश्चन को हम उसी तरीके से क्वेश्चन करेंगे जैसे हमने के का वैल्यू फाइंड किया था। ठीक है, तो देखते हैं हमारा कि लेके चल करते, अगर मान लो लेट A = 1/Q+R, ठीक है, बी ले लो 1/R+P और सी ले लो 1/P+Q। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? देखते हैं कि एपी में हमेशा क्या होता था कि बी माइनस सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म, तो नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा कि अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी माइनस ए इक्वल ये कितना हो जाएगा, सी माइनस बी। तो b कितना है हमारा, देखते हैं हम b कितना है हमारा, 1/R+P, तो b 1/R+P माइनस 1/Q+R, 1/Q+R इक्वल में इसके बराबर क्या हो जाएगा, c माइनस b। तो c क्या है हमारे पास, 1/P+Q माइनस b है हमारा 1/R+P, तो 1/R+P, और बस इसको नॉर्मल वे में सॉल्व कर देंगे, बस वही जो आएगा वैल्यू निकल करके देखते हैं क्या आ रहा है हमारा। सॉल्व करने से तो क्या हो जाएगा, ये इसका फर्स्ट वाले का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, R+P और Q+R, इसका एलसीएम हो गया, ये दोनों कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास Q+R, और ये माइनस Q+R कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास R+P, और ये फिर इसका एलसीएम हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, P+Q और R+P, तो P+Q कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास R+P, और माइनस R+P कैंसिल हो गया, तो बचे क्या हमारे पास P+Q, तो ये हमारा P+Q हो गया। तो कितना बचेगा, ये Q+R - R-P / R+P और Q+R इक्वल में क्या कहता है कि R+P - P-Q / P+Q (R+P). तो देखते हैं कि क्या बच गया है हमारे पास, क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, माइनस का आर और प्लस का आर, प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, प्लस का पी माइनस का पी, प्लस माइनस दोनों कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, क्या बचा हमारे पास, ये Q - P (R+P) / Q+R इक्वल R - Q, तो R - Q बचा क्या हमारे पास, P+Q और R+P। ठीक है, R+P दोनों कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, तो बचा क्या हमारे पास, अगर इसको हम बाहर कर देते हैं यहाँ पे, कैंसिल भी कर सकते हैं, देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, ये हमारे पास प्लस माइनस, तो प्लस माइनस का ये भी कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे अगर माइनस इक्वल की जगह पर अगर हम माइनस लेते हैं यहाँ पे, तो ये और ये, तो ये माइनस का और ये प्लस का, तो दोनों एक साथ है, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या हमारे पास, Q - P / Q+R और इक्वल R - Q, और बचा क्या हमारे पास P+Q। अब इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाएगा, P+Q (Q - P)
और इक्वल आर माइनस क्यू और इंटू क्यू प्लस आर। अभी दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो क्या निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा, पी इंटू क्यू पी क्यू पी क्यू पी पी तो माइनस पी स्क्वायर क्यू तो प्लस का क्यू स्क्वायर और ये क्यू और माइनस पी तो माइनस पी क्यू। ठीक है, और यहां पे क्या आएगा देखते हैं, इस पे आर स्क्वायर आर आर इंटू क्यू तो आर क्यू और ये प्लस 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 तो प्लस आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर और फिर ये माइनस हो जाएगा हमारा क्यू आर। तो देखते हैं यहाँ पे क्या है, माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू माइनस पी क्यू प्लस पी क्यू से तो माइनस यहाँ पे क्या बच गया, माइनस पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर क्यू आर प्लस माइनस कैंसिल तो बचा क्या हमारे पास आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे माइनस को ओपन लेगा तो क्या हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या एपी में आने का मतलब क्या है कि अगर हमारे पास तीन टर्म है पी स्क्वायर है क्यू स्क्वायर है और आर स्क्वायर है, एपी मतलब क्या है कि सेकेंड टर्म माइनस में फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म माइनस में सेकेंड टर्म, तो सेकेंड टर्म क्यू स्क्वायर फर्स्ट टर्म पी स्क्वायर और थर्ड टर्म आर स्क्वायर माइनस में ये क्यू स्क्वायर। तो ये क्या है हमारे पास क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर, तो क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर और आर स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। तब कह देंगे हियर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर एंड आर स्क्वायर आर इन एपी, ये हुआ हमारा आंसर एग्जाम्पल नंबर पांच का। ये कह रहा था कि हमें बस ये प्रूव करना था कि पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर जो है वो हमारा क्या होना चाहिए, एपी में होना चाहिए। तो ये क्या है हमारा तीनों टर्म्स क्या है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर और आर स्क्वायर तीनों टर्म्स हमारे क्या है एपी में तीनों टर्म्स। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सिक्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सिक्स कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर सिक्स ये है हमारा कि इफ ए बी सी आर दे पी एस टर्म क्यू एस टर्म्स एंड आर एस टर्म्स ऑफ एन ए पी। देखिए कह रहे मतलब क्या है कि जो ए है इसका जो टर्म है वो पी एस टर्म है, जो बी है इसका टर्म क्यू एस टर्म है और जो सी है यहाँ पे उसका क्या है आर टर्म है। तो कहता है कि तीनों जो टर्म्स है वो हमारे क्या है एपी में है, तो कहता है कि आप प्रूव करके दिखाओ कि ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो। ये इन तीनों का जो वैल्यू वो हमेशा क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, उसे हमें प्रूव करके दिखाना है। और टर्म्स क्या है हमारे पास ए पी है, ए का टर्म क्या है पी एथ है, बी का क्या है क्यू और सी का क्या है आर। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ना हमारा फर्स्ट टर्म गिवन है और ना ही हमारा यहाँ पे कॉमन डिफरेंस गिवन है। देखते हैं क्या सॉल्यूशन क्या होगा इसका, सॉल्यूशन होगा ये हमारा कि लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इक्वल एक्स एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू वाई एक्स और वाई। तो कहता है कि ए टर्म क्या है हमारा पी है, तो ए टर्म क्या है ए इक्वल ये है हमारा और बी क्या कह रहा है कि बी क्या है हमारा बी है हमारा ये और सी क्या है हमारा ये है। तो फिर अब इनको जब हम डिस्क्राइब करेंगे टीएन के फॉर्म में तो क्या हो जाएगा हमारा, देखते हैं कि देखिए यहां पे क्या हो जाएगा ए इक्वल टू क्या हो जाएगा ए इक्वल टू फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, हमने फर्स्ट टर्म क्या माना है एक्स, तो टी एन इक्वल ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए क्या है हमारा यहाँ पे एक्स प्लस एन क्या है हमारा पे ये एन क्या है हमारा यहाँ पी है, तो पी माइनस वन इंटू डी क्या है हमारा वाई। ये पहला टर्म के लिए कह सकते हैं कि फॉर फर्स्ट टर्म यहाँ पे लिख लेते हैं कि फॉर फर्स्ट टर्म
ठीक है, फॉर सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म के लिए क्या होगा, सेकेंड टर्म के लिए होगा हमारा कि b इक्वल फर्स्ट टर्म क्या है a है और इसका b क्या है n क्या है इसका q है, तो q माइनस वन इंटू वाई, ये हमारा सेकेंड टर्म हो गया। अब कह सकते हैं कि फॉर थर्ड टर्म, ठीक है, तो c इक्वल टू क्या हो जाएगा x प्लस r माइनस वन इंटू वाई, ठीक है, ये हमारा टर्म बन करके आ गया कि a क्या हो रहा है x प्लस पी माइनस वन इंटू वाई, ये tn के फॉर्म पे हमने, tn के फॉर्म पे हमने बेस किया इसको, tn के फॉर्म पे बेस पे हमने इसको लिखा है कि a प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये है हमारा, तो उसके बेस पे हमने ये किया है। अब हम देखते हैं इसको क्या होगा कि LHS को लेके, LHS क्या है हमारा, लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारा कि हमें इतना प्रूफ करना है। अब देखिए हमारे पास a का वैल्यू क्या है, ये b का वैल्यू क्या है हमारे पास ये, और c का वैल्यू क्या है हमारे पास ये, तो a, अब देखिए LHS क्या है हमारा कि a into q minus r plus b into r minus p और plus c into p minus q, और यहां से इन तीनों का वैल्यू जो a b c इन तीनों का जो वैल्यू है हम यहाँ पे पुट करेंगे और यहाँ से इनको सॉल्व करके हम जीरो हमें फाइंड करना है। अगर वो जीरो यहाँ इसको सॉल्व करने के बाद अगर जीरो निकल के आ जाता है हमारे पास, इसका मतलब क्या है कि जो हमने क्वेश्चन किया वो सॉल्यूशन जो हमने किया वो हमारा सही है। देखते हैं क्या होता है, वी टेक LHS, LHS क्या है हमारा a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, तो अब इन सब का जो जो वैल्यू है a का वैल्यू b का वैल्यू c का वैल्यू उन सब का जो वैल्यू है अब यहाँ पे उसको पुट करेंगे, ठीक है, तो देखते हैं क्या हो जाएगा यहाँ पे, a क्या है हमारा x प्लस, x प्लस सॉरी यहाँ पे ये बात हम लिख देते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी पुट द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी इन कहां पे LHS, जो LHS है वहां पे हम इसका ए बी और सी तीनों का जो वैल्यू है वो हम पुट करेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका जो सॉल्यूशन होगा क्या होगा, a का वैल्यू क्या है हमारे पास, a क्या है हमारा x x प्लस x प्लस p माइनस वन इंटू y और क्या है फिर q माइनस r प्लस b क्या है हमारा x प्लस q माइनस वन इंटू वाई और q माइनस वाई इंटू क्या है हमारा r माइनस पी, r माइनस पी और प्लस c क्या है हमारा कि x प्लस r माइनस वन इंटू वाई और फिर क्या है इंटू में p माइनस क्यू, और इन तीनों को हम इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, सॉल्व करने के बाद में हमें जीरो लेकर के आना है, तो देखिए क्या है हमारा x यहाँ भी है, x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास तीन टर्म है, तीनों टर्म्स में x हमारा गिवन है, तो हम x को यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, x को हमने यहाँ पे कॉमन लिया। अब देखिए बचता क्या है हमारे पास p माइनस वन वाई क्यू आर, फिर क्या बचा है q माइनस वन वाई फिर r माइनस पी फिर r माइनस वन वाई पी माइनस क्यू, ये बचा हुआ है हमारे पास। ऐसा करते हैं हम कि ये जो तीनों टर्म्स है इनको एक साथ लेकर के चलते हैं, जैसे हमारा क्यू आर प्लस में है क्यू आर, ये क्यू आर प्लस फिर आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, यहां तक हमारा जो काम है वो खत्म हो गया। अब देखते हैं, देखिए क्यू माइनस आर, आर माइनस पी और पी माइनस क्यू, ठीक है, ये हमने क्या लिया बाहर कर दिया, एक साथ कर दिया, अब बचा क्या हमारे पास वाई यहां भी है, y यहाँ भी है और y यहाँ भी है, तीनों टर्म्स में y क्या है हमारा गिवन है, तो
तो लेकर के चलते हैं कि y यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास, देखिए p माइनस वन क्यू आर, तो p माइनस वन इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी, ठीक है, क्यू माइनस वन और आर माइनस पी, तो क्यू माइनस वन इंटू आर माइनस पी और प्लस फिर कह रहा है कि आर माइनस वन, आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ठीक है। देखिए x भी अलग हो गया, y भी अलग आ गया, हमने इन सबको अलग अलग कर लिया इक्वेशन में, हमने p माइनस क्यू माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इन सबको हमने अलग कर लिया, ठीक है। अब इन सबको हम सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हमारा आंसर निकल के आ रहा है। देखिए x, देखिए q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस पी माइनस क्यू, ठीक है, ये अलग है, और y, और ये क्या वैल्यू निकल करके आया, देखिए p माइनस वन और q माइनस आर, इन सबको बारी बारी से मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि क्या वैल्यू निकल करके आ रहा है, ठीक है। यहां तक तो समझ में आ रहा है आपको, देखिए q माइनस आर, आर माइनस पी, पी माइनस क्यू, इन सबको हमने प्लस किया हुआ है, इन सबको हमने एज इट इज लिखा यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे y p माइनस वन क्यू माइनस आर प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस पी प्लस आर माइनस वन पी माइनस क्यू, ठीक है। तो अब इन देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। और मल्टीप्लाई करने के बाद में जो वैल्यू आया था उसको देखते हैं क्या आता है, जीरो के बराबर में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं हम पी माइनस वन, सॉरी पी माइनस वन क्यू माइनस आर, तो पी क्यू, ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो माइनस पी आर, ठीक है, पी क्यू, पी भी प्लस है क्यू भी प्लस है, तो इन दोनों का जो साइन हो क्या होगा प्लस होगा, तो ये पी क्यू प्लस में हो गया, P प्लस है लेकिन जो R है वो हमारा माइनस में, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा PR हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे माइनस वन है Q है, तो प्लस Q जो है वो प्लस का, Q जो है इसका साइन प्लस है और ये वन क्या है माइनस है, तो माइनस Q हो जाएगा, और ये फिर माइनस और ये फिर माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो वन से और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो R हो जाएगा, फिर ये साइन यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है। देखिए Q और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू आर, ठीक है, क्यू आर हो गया। अब Q और P से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का Q और माइनस का P, तो PQ, ठीक है। अब देखिए माइनस वन और R से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का R, माइनस वन और प्लस R से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का R, और ये माइनस वन और माइनस P, तो माइनस माइनस प्लस, ये P हो जाएगा हमारा। फिर लास्ट में क्या बचा, R माइनस वन और P माइनस क्यू, तो R P से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर यहाँ पे पी आर, ठीक है, P और R से मल्टीप्लाई किया हमने तो बचा हमारे पास पी आर, और माइनस प्लस का R, प्लस का ये R है और माइनस का Q है, तो माइनस Q1, ठीक है, फिर माइनस का 1 प्लस का P, तो माइनस P, और माइनस का 1 और माइनस का Q, तो माइनस माइनस प्लस ये Q, तो ये निकल करके आया हमारे पास। अब देखते हैं यहाँ पे क्या कैंसिल होता है क्या नहीं कैंसिल होता है। देखिए यहाँ पे प्लस का क्यू और माइनस का क्यू ये कैंसिल, प्लस का आर और माइनस का आर ये दोनों कैंसिल, प्लस का पी माइनस का पी ये कैंसिल, ये तो तीन, ये जो हमारे पास छह टर्म्स थे वो छह के छह हमारे कैंसिल हो गए। अब देखिए यहाँ पे वाई वाले टर्म्स में देखिए प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू, यहाँ पे साइन क्या है प्लस का पी क्यू और माइनस का पी क्यू, तो प्लस और माइनस दोनों कैंसिल। देखिए माइनस पी आर प्लस पी आर, तो माइनस पी आर प्लस पी आर कैंसिल, अब क्या हमारे पास माइनस क्यू है और प्लस का क्यू है। देखिए बारी बारी से सबको एक एक टर्म लेके आगे चलते चलेंगे, माइनस का क्यू है प्लस का क्यू है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू कैंसिल, प्लस का आर और यहाँ पे फिर क्या है माइनस आर, तो प्लस आर और माइनस आर यहाँ पर भी है कैंसिल, और बचा क्या हमारे पास, तो प्लस का, देखिए यहाँ पे साइन क्या है प्लस है, तो प्लस का क्या है हमारा प्लस का क्यू आर, और यहाँ पे क्या है माइनस का क्यू आर, देखिए यहाँ पे ये क्या है प्लस, ये साइन क्या है यहाँ पे प्लस है, तो प्लस का ये क्यू आर हो गया, और ये क्या है यहाँ पे माइनस, तो माइनस का क्यू आर हो गया, तो इसका साइन प्लस है और इसका साइन माइनस है, तो ये क्यू आर और ये क्यू आर कैंसिल। अब बचा क्या है हमारे पास, लास्ट टर्म एक पी बचा हुआ है और ये यहाँ पे क्यू बचा हुआ है, तो प्लस का पी और ये माइनस का पी, ये भी कैंसिल और ये भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ये सारा का सारा टर्म्स कैंसिल हो गया, तो बचा क्या हमारे पास कि एक्स इंटू जीरो प्लस वाई इंटू ये जीरो,
तो x x और ये पूरा का पूरा टर्म्स जब कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास जीरो, फिर ये प्लस का y और ये पूरा का पूरा जो टर्म्स हमारा कैंसिल हो गया तो बचा क्या हमारे पास ये भी जीरो, तो y इंटू जीरो, ठीक है, तो x इंटू जीरो जीरो और प्लस y इंटू जीरो जीरो, ये वैल्यू क्या आ गया हमारा जीरो। तो हम कह सकते हैं कि a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस बी प्लस सी इंटू पी माइनस पी इक्वल टू जीरो, ठीक है। तो दिस इक्वेशन इज वैलिड, कह सकते हैं कि हियर a इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू जीरो, जी हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये हमने छह क्वेश्चन किए एग्जाम्पल के, ठीक है, और इसमें हमारे दो क्वेश्चन और बचे हुए एग्जाम्पल में, तो सातवां नंबर क्वेश्चन हम करेंगे एग्जाम्पल का और आठवां नंबर भी करेंगे, तो करते हैं अब सातवें नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन ये कहता है कि सम ऑफ फोर इंटीजर्स इन एपी, जो हमारे इंटीजर्स नंबर है, जो हमारे चार इंटीजर्स नंबर है उनका जो सम है वो कह रहा है कि 48 है, ठीक है, और कहता है कि उनका जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट जो कहता है कि प्रोडक्ट मतलब एक तरह प्रोडक्ट, प्रोडक्ट इक्वल टू मल्टीप्लीकेशन, जो इनका मल्टीप्लीकेशन है वो क्या है हमारा 15,120, 15,120 है, तो कहता है कि फाइंड द नंबर, तो नंबर हमें फाइंड करना होगा, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन करवाने से पहले मैं आप लोगों को एक कॉन्सेप्ट मैं लिखवा देता हूँ, ठीक है, ये मैं सोच रहा था पहले लिखवाने के लिए, लेकिन मैंने कहा कि नहीं जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा तो वहां पे लिखा दूंगा, छोटा सा कॉन्सेप्ट देखिए, ऐसे कह रहा है ना कि फोर इंटीजर्स नंबर, सम ऑफ फोर इंटीजर्स नंबर, तो उसी तरीके से एपी में थर्ड इंटीजर्स नंबर, फोर्थ इंटीजर्स नंबर, फिफ्थ इंटीजर्स नंबर, सिक्स इंटीजर्स नंबर, तो उनका वो नंबर अलग अलग के, थर्ड इंटीजर्स नंबर क्या होगा, फोर इंटीजर्स नंबर क्या होगा, फिफ्थ इंटीजर्स नंबर क्या होगा, सिक्स इंटीजर्स नंबर क्या होगा, तो वो मैं आप लोगों को लिखवा देता हूँ, ताकि अगर इस टाइप के क्वेश्चन अगर यहाँ पे फोर दिया हुआ है तो हो सकता है कि कभी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए बैठे वहां पे दे दिया कि थर्ड इंटीजर्स नंबर, सम ऑफ थर्ड इंटीजर्स नंबर, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तीन इंटीजर्स नंबर हमारे क्या होंगे, चार है तो हमें मालूम है कि क्वेश्चन उसका सोल्यूशन है, तो हमें मालूम है कि चलो चार क्वेश्चन है, ये दे रखा है, अगर यहाँ पे तीन दे देता या फिर यहाँ पे पांच दे देता कि तीन इंटीजर्स नंबर क्या होंगे, सम ऑफ फाइव इंटीजर्स नंबर उनका सम इतना है तो उसका प्रोडक्ट क्या होगा, तो उसके लिए मैं आप लोगों को ये लिखवा देता हूँ, देखिए सम ऑफ फर्स्ट थर्ड इंटीजर नंबर इन एपी, एपी में जब थर्ड इंटीजर नंबर की बात करते हैं तो यहाँ पर जाएगा कि अल्फा माइनस बीटा, अल्फा और अल्फा प्लस बीटा, आप इसको ये भी कह सकते हैं कि ए माइनस डी, ए और ए प्लस डी, कोई दिक्कत नहीं है, अल्फा माइनस बीटा या ए माइनस डी है, ठीक है। फिर यहाँ पे कह रहा है कि सम ऑफ फर्स्ट फोर इंटीजर नंबर, यहाँ पे थ्री कर लेते हैं, थ्री, और यहाँ पे कहता है कि फोर इंटीजर नंबर, वो क्या हो जाएगा आप, सॉरी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी, ठीक है। फिर कहता है कि सम ऑफ फर्स्ट फाइव इंटीजर नंबर, तो वो कितना होगा, तो पांच इंटीजर नंबर की जैसे बात करते हैं तो वहां पे कर देंगे कि a माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए फिर a प्लस डी और a प्लस टू डी, ठीक है, ये हो गया। अगर जैसे कह देता है कि सम ऑफ फर्स्ट सिक्स इंटीजर नंबर ऑफ एन एपी, एपी का ऑफ एन एपी, तो वहां पे हो जाएगा ए माइनस फाइव डी, ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस थ्री डी
और a प्लस 5t, कॉमा लगा लेंगे, ठीक है, जहां कॉमा नहीं है तो वहां पे लिखना, ठीक है। तो ये अगर ये हमें मालूम हो गया कि सम ऑफ फर्स्ट थ्री इंटीजर्स नंबर क्या होगा, सम ऑफ फोर्थ इंटीजर्स नंबर ऑफ एन एपी का क्या होगा, फिर फाइव इंटीजर्स नंबर क्या होंगे और सिक्स इंटीजर्स नंबर क्या होंगे, तो ये आपको मालूम हो गया। और इस टाइप का क्वेश्चन आपको, इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिल रहा है सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको पेपर में आ जाए या फिर आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने के लिए बैठो, वहां पे आपको ये मिल जाए, फोर की जगह पे थ्री मिल जाए, थ्री की जगह पे सिक्स मिल जाए या फाइव मिल जाए, तो ये आपको, ये जो मैंने आपको यहाँ पर लिखवाया है, ये आपको याद होना चाहिए यहां से लेकर के यहां तक कि तीन होगा तो क्या होगा, चार होगा तो क्या होगा, पांच होगा तो क्या होगा और छह होगा तो क्या होगा, ठीक है। यहां तक मैंने आप लोगों को ये लिखवा दिया। अब हम चलते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा, ठीक है। ये आप लोग हमेशा याद रखना, इसलिए मैंने लिखवा दिया, मैं पहले लिखवा देता आप लोगों को, लेकिन मैंने कहा कि जब मैं इस टाइप के क्वेश्चन में करवाऊंगा तो मैं आप लोगों को वहां पर लिखवा दूंगा, तो इसलिए आप इसको हमेशा याद रखना। इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आप इसको, ये अगर ये जब आपको याद रहेगा तो आप आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। कहता है कि सम ऑफ फोर इंटीजर्स नंबर, तो हम कहेंगे लेट सम ऑफ फर्स्ट फोर इंटीजर नंबर ऑफ एन एपी इक्वल, क्या हो जाएगा, अभी भी मैंने आपको बताया कि अल्फा माइनस, सॉरी ए माइनस डी, सॉरी ए माइनस थ्री डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी और ए प्लस थ्री डी। तो कहता है कि इसका जो सम है वो हमारा 48 है, तो इसका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस थ्री डी प्लस ए प्लस डी प्लस, सॉरी ए माइनस डी, ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल 48। इन तीन, इस चारों का जो सम है वो हमारा क्या है, 48 है। तो देखते हैं क्या होगा, यहाँ पे माइनस डी प्लस डी, तो ऐसे यहाँ पे लिख लेते हैं कि ए माइनस थ्री डी प्लस ए माइनस डी प्लस ए प्लस डी और प्लस ए प्लस थ्री डी इक्वल 48। तो माइनस डी प्लस थ्री डी माइनस थ्री डी कैंसिल, प्लस प्लस डी माइनस डी ये भी कैंसिल, तो बचा क्या हमारे पास, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू 48। तो कितना है, 1 2 3 4, हमारे पास क्या है, 4a इक्वल टू 48, तो देयरफॉर a इक्वल टू 48 अपॉन 4 इक्वल टू 12। a का वैल्यू निकल करके आ गया कितना हमारे पास, 12। अब कहता है, क्वेश्चन आया क्या कहता है कि इनका जो प्रोडक्ट है, कहता है कि देयर प्रोडक्ट इज 15120 है, तो इनका जो प्रोडक्ट है तो लिखेंगे प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट फोर इंटीजर नंबर, चार इंटीजर नंबर है उसका प्रोडक्ट क्या होंगे, देखिए प्रोडक्ट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन, 1 माइनस 3d, 1 माइनस 3d इंटू 1 माइनस d इंटू 1 प्लस, सॉरी ए प्लस डी इंटू ए माइनस, सॉरी ए प्लस थ्री डी इक्वल 15120, ठीक है। अब इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ए माइनस थ्री डी और ए प्लस थ्री डी, देखिए ए माइनस डी और ए प्लस डी, अब देखिए देखते हैं हम कि ए माइनस डी और इंटू ए प्लस डी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ऐसे हम कह सकते हैं कि ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये मिलता है ए माइनस बी और ए प्लस, सॉरी ए प्लस बी है यहाँ पे, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें ये वैल्यू मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, ए माइनस बी थ्री डी और ए माइनस बी, तो क्या है ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो इसको इसके बेस पर लेकर चलना क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा ये, ए स्क्वायर माइनस थ्री डी स्क्वायर, और ये भी है a माइनस बी और a प्लस बी पे, तो ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 15120, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 15120, ठीक है। तो
15120। यहां तक आपको समझ में आया? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में बोल सकते हो कि यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया, और इसलिए मैं आपको बारी बारी से समझा समझा करके लेके चल रहा हूँ, एक एक पॉइंट आप लोगों को समझा समझा के लेके चल रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो समझ में आए तो वीडियो पॉज करके एक बार देख लेना दोबारा से। तो यहां तक हम चलते हैं। अब देखिए ए का वैल्यू क्या है हमारे पास 12, अब क्या करेंगे कि इन सब में हम 12 का वैल्यू रखेंगे। तो कहते हैं कि पुट द वैल्यू ऑफ ए इन ये इसको इक्वेशन मान लो वन, इन इक्वेशन वन, इस इक्वेशन में इसका वैल्यू जो है वो पुट करते हैं। तो यहां पे इस तरफ लेकर के चलते हैं इसको, इसका सोल्यूशन यहां पे लेकर चलते हैं। आगे लेकर के चलेंगे तो ए स्क्वायर करेंगे तो 12 का स्क्वायर किया हमने और माइनस में 9d स्क्वायर, और फिर हमने यहाँ पे 12 का स्क्वायर किया तो 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, और फिर हमने क्या किया, ठीक है यहां तक देखिए ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, फिर ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, तो 15100। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखिए 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 माइनस में 9d स्क्वायर, और ये 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 15100, ये 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहां पे देखिए, अगर मैं यहां पे 9 को मैं अगर को मैं कॉमन ले लू, 9 को जब मैं यहां से कॉमन ले लू, अगर मैं 9 को यहां से कॉमन ले लू तो बचिया क्या यहाँ पे, अगर 144 डिवाइड बाई 9 करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 16। तो अगर मैं 9 को यहां से मैं कॉमन ले लेता हूँ तो बचिया क्या हमारे पास 16, और 9 यहाँ पे आ गया तो क्या बचा यहाँ पे डी स्क्वायर, और 12 स्क्वायर माइनस में ये डी स्क्वायर इक्वल 15120, और ये जो वैल्यू है 6 माइनस में डी स्क्वायर और 12 स्क्वायर माइनस में डी स्क्वायर इक्वल 15120 डिवाइड बाई, ये डिवाइड मल्टीप्लीकेशन में तो क्या आ जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 6 माइनस डी स्क्वायर और 12 स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर ये कितना बच के आएगा हमारे पास, ये इसको डिवाइड करते हैं तो कितना निकल करके आता है, इसको डिवाइड करिए 9 और 6 तो 6 बार में, और ये फिर तो कितना बचेगा 7 तो 8 ये 0 1680 आ रहा है हमारा, तो 1680 आएगा यहाँ पे। अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे 6 16 माइनस डी स्क्वायर, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 144 माइनस में ये डी स्क्वायर इक्वल 1680, ठीक है। अब देखिए 16d स्क्वायर 144 माइनस डी स्क्वायर इक्वल 1680, तो 1680 आ गया था, इन दोनों को फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 16 × 144, और ये प्लस माइनस माइनस 16d स्क्वायर माइनस 144d स्क्वायर और फिर प्लस d के पावर 4 इक्वल 1680, ठीक है यहाँ तक समझ में आ गया होगा। देखिए 16 × 144 ये प्लस और ये प्लस, तो साइन क्या हुआ प्लस का, 16 × d स्क्वायर तो माइनस का ये डी स्क्वायर, एक बार देखो देखिए देखना आप लोग फर्स्ट वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर फर्स्ट वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर सेकंड वाले को सेकंड से मल्टीप्लाई करेंगे। तो वही अब मैंने किया है कि 16 × 144 और ये माइनस 16 और ये माइनस सॉरी प्लस का 16 माइनस का डी स्क्वायर, तो माइनस का 16d स्क्वायर ये माइनस का डी स्क्वायर और प्लस का 144, तो ये माइनस का 144d स्क्वायर और ये माइनस का डी स्क्वायर और ये माइनस का डी स्क्वायर प्लस का डी के पावर 4 इंटू 1680। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आता है 2304 माइनस, और देखिए ये माइनस और ये माइनस प्लस, तो 144 प्लस 16 160 डी स्क्वायर और प्लस डी के पावर 4 इक्वल टू 1680। अब देखिए क्या बच गया था हमारे पास 2304 माइनस 160 डी स्क्वायर प्लस डी के पावर 4 माइनस 1680 प्लस माइनस, इसको जब माइनस करें तो कितना आएगा 624 माइनस 160 डी स्क्वायर प्लस डी के पावर 4, और ये क्या हमारा इक्वेशन बन गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन, डी के पावर 4 माइनस 160 डी स्क्वायर और
प्लस 264 इक्वल टू जीरो, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब देखना ये होगा कि मल्टीप्लाई करने पे 624 और ऐड करने पे 160 आना चाहिए, ठीक है। तो देखिए क्या होगा यहाँ पे, डी के पावर 4 माइनस में 4 डी स्क्वायर माइनस में 156 डी स्क्वायर प्लस 624 इक्वल टू जीरो। अगर 156 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 और 20 दो 22 और 4 दो 6, 624 मल्टीप्लाई करेंगे तो 624 आएगा और 156 प्लस 4 दोनों को दूसरे ऐड करेंगे तो 160 आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए क्या निकल करके आता है, ये 4 है हमारा, तो डी के पावर डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर माइनस 4 कॉमन माइनस 156 और डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल जीरो, ठीक है। तो क्या बचा हमारे पास, डी स्क्वायर माइनस 156 और डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल जीरो। तो चूंकि इसलिए डी, अब कहते हैं कि यहाँ पे डी स्क्वायर माइनस 156 इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर डी स्क्वायर बराबर 156, तो डी बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 156, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे कहेगा कि डी स्क्वायर माइनस 4 इक्वल टू जीरो, तो देयर फोर डी इक्वल टू डी स्क्वायर इक्वल टू 4, तो देयर फोर डी इक्वल टू प्लस माइनस, ये 2 आ रहा है, तो ये प्लस माइनस 2 आ रहा है और ये रूट का 156 आ रहा है। जब ये रूट का 156 आ रहा है तो क्या ये इंटीजर नहीं है हमारा, और ये इंटीजर है, तो यहाँ पे क्या ले लेंगे, डी इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब जो हमारे पास चार जो टर्म्स थे हमारे पास, उन सब में डी का वैल्यू रख रख के वहां से वैल्यू हम निकाल लेंगे, ठीक है। ए हमारे पास मिला हुआ है पहले से और डी हमारे पास भी, ए इक्वल टू 12 है हमारा और डी इक्वल टू प्लस माइनस 2, एक बार प्लस 2 रखेंगे एक बार माइनस 2 रखेंगे। तो देखिए ए माइनस 3D, तो इसमें रखते हैं 12, ए का वैल्यू 12 माइनस में 3 इंटू एक बार प्लस 2 रखते हैं, तो और ए माइनस डी और ए प्लस डी और ए प्लस 3D, इन तीनों में बारी बारी से एक बार प्लस का वैल्यू रखेंगे और एक बार माइनस का वैल्यू रखेंगे, तो उसमें से सीरीज हमें मिल जाएगा। तो माइनस का 12 इंटू 2 ये बच गया यहाँ पे 10, और 12 प्लस 2 14, और 12 प्लस 3 इंटू 2 तो 6 प्लस 12 18, और ये कितना हो गया 6 माइनस 12, तो 12 माइनस 6 6, तो एक सीरीज क्या मिल गया हमारा 6, 10, 14 और 18। और एक बार रखेंगे कि पुट डी इक्वल माइनस का 2, हमने यहाँ पे रखा कि पुट डी इक्वल प्लस का 2, एक बार प्लस का 2 रखा मैं डी का वैल्यू, एक बार आप रखेंगे माइनस का 2, जब माइनस का 2 रखेंगे तो ए माइनस 3D, तो 12 माइनस 3 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 12 और 6 18, ए माइनस डी तो 12 माइनस माइनस का 2 ये कितना हो जाएगा 14, और ए प्लस डी तो 12 प्लस माइनस 2 ये कितना बच जाएगा 10, और ए प्लस 3D तो 12 और प्लस 3 इंटू माइनस का 2 तो माइनस 2 माइनस 6 ये बचेगा 6। तो सीरीज क्या निकल कर गया, पहला सीरीज बन क्या आ रहा है हमारा 6, 10, 14 और 18, और सेकेंड सीरीज निकल के आ रहा है हमारा 18, 14, 10 और 6, ये हमारा नंबर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8वां की तरफ चलते हैं, वो देखते हैं हम, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमारा ये है, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि सम ऑफ एन टर्म ऑफ दिस सीरीज फाइंड करने का बोल रहा है, कि इसका सम क्या होगा, कि सम ऑफ द एन टर्म ऑफ दिस सीरीज, और सीरीज क्या देख रहा है, 1 × 3, 3 × 5, 5 × 7, 7 × 9, 9 × 11, 11, एक टर्म और आगे बढ़ेंगे तो 11 × 13, एक टर्म उसके आगे और बढ़ेंगे तो 11 × 13, उसके और आगे बढ़ेंगे तो 11 × 15, तो ऐसे ही दो दो टर्म्स जो है हमारा आगे बढ़ता चलाएगा। तो इसमें दो सीरीज दिया हुआ है, एक पहला फर्स्ट सीरीज ये है कि 1, 3, 5, 7, 9, और सेकेंड सीरीज ये है हमारा 3, 5, 7, 9, 11। इन दोनों का जो कैलकुलेशन होगा वो हमारा अलग अलग होगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका कैलकुलेशन क्या होगा। सीरीज क्या दे रखा है हमारा, फर्स्ट सीरीज क्या है, 1 + 3 + 5 + 7 +
एंथ टर्म, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन में मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, तो क्या जाएगा 3 + 5 + 7 + 9 + nth टर्म, ये एंथ टर्म तक जाएगा हमारा। अब देखिए यहाँ पे इसका फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, 1 है, और इसका डी क्या हो जाएगा, 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, हमेशा देखिए एक बार 3 - 1 = 2, 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, डिफरेंस क्या है हमारा 2 का, तो इसका डी क्या हो जाएगा 2, और जब इसका 2 हो जाएगा तो डी इसका टी एन का वैल्यू क्या हो जाएगा, a + n - 1 × d, तो टी एन क्या है हमारा, a क्या है हमारा 1 + n क्या है हमारा n - 1, d क्या है 2, तो ये कितना हो जाएगा 1 + 2n - 2, ये कितना हो जाएगा 2n - 1, इसका टी एन ये निकल करके आ रहा है, ठीक है। सेकेंड वाला क्या है, सेकेंड वाले का ए कितना है 3, और डी इसका भी क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 5 - 3 = 2, 7 - 5 = 2, 9 - 7 = 2, तो 2 डिफरेंस आ रहा है, तो इसका भी टी एन क्या हो जाएगा a + n - 1 × d, तो ए कितना है 3, और n - 1 d कितना है इसका 2, तो 3 + 2n - 2, तो टी एन इक्वल टू 2n, और प्लस माइनस माइनस, तो प्लस का ये 1 है। साइन क्या है यहाँ मल्टीप्लाई का, तो इन दोनों को क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, टी एन इक्वल टू 2n - 1 × 2n + 1, जब मल्टीप्लाई कर दें तो आता है हमारे पास क्या 4n² और प्लस का 2n माइनस का 2n और माइनस प्लस माइनस का ये 1, प्लस माइनस ये कैंसिल, तो बचा गया हमारे पास 4n² - 1, टी एन का वैल्यू 1 आ गया, ठीक है। अब इसका हम सम लेकर के चलते हैं कि इसका सम क्या होगा, ठीक है। टी एन क्या है इसका हमारा 4n² - 1, ठीक है। तो रखेंगे कि पुट n इक्वल टू 1, 2, 3, 4, ठीक है, ऐसे वन n का वैल्यू हम रखेंगे तो कितना हो जाएगा s हमारा 4n² तो n की जगह क्या है 1 है, तो n क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो n का स्क्वायर, फिर n का वैल्यू 1 रखेंगे तो फिर स्क्वायर करेंगे, अगर 2 रखते हैं तो फिर उसको स्क्वायर करेंगे, 3 रखते हैं तो फिर उसको स्क्वायर करेंगे, 4 रखते हैं तो फिर उसको स्क्वायर करते हैं, तो 4 हमने यहाँ से इसको बाहर ले लिया, और n है तो n 1 का स्क्वायर, फिर साइन क्या है प्लस में आइए तो जाएगा हमारा सीरीज किस में आएगा प्लस में ही आएगा, ये प्लस फिर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस ये n का स्क्वायर, n है तो n के स्क्वायर में जाएगा, n टर्म तक जाएगा, तो जब n टर्म तक जाएगा तो 4 स्क्वायर करेंगे, फिर 5 का स्क्वायर करेंगे, फिर 6 का, फिर 7 का, फिर 8 का, तो ऐसे ही स्क्वायर करते करते हम nth टर्म तक पहुंचेंगे, तो हमारा n स्क्वायर हो जाएगा। फिर हमारे का ये साइन है यहाँ पे माइनस, ठीक है, माइनस, और सीरीज क्या आएगा 1 है तो 1 + 1 + 1 + 1 ये जाएगा फिर nth टर्म तक, ठीक है। तो बचा क्या हमारे पास s का क्या आएगा वैल्यू 1, और हमने पढ़ा है कि सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, हमने पढ़ा था कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट ऑड इवन नेचुरल नंबर, सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, तो स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या होता था हमारा, जब हम पढ़ते थे कि सम ऑफ फर्स्ट ऑड नेचुरल नंबर, उसका क्या होता था हमारा n × n + 1/2, जब इवन नेचुरल नंबर पढ़ते थे तो उसका आता था एन स्क्वायर, और जब हम स्क्वायर का पढ़ रहे थे तो वहां पे क्या था हमारा कि n × n + 1 / 2n + 1/6, और ये माइनस ये कहाँ तक जाएगा एन टर्म तक जाएगा, तो 1 × n, ये यहाँ तक हम हमारे पास ये निकल कर आया। अब इसी को सॉल्व करके एस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 2/3, और n × n + 1 / 2n + 1 ये माइनस का n, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसको हम करेंगे ये सम चल रहा है वो, तो कितना हो जाएगा 2/3, तो देखिए ऐसा करेंगे क्या कहते हैं सब्सट्रैक्ट करते हैं इसको, माइनस कर लेते हैं यहाँ से, तो कितना आएगा 2n × n + 1 / 2n + 1
डिवाइड बाई सॉरी माइनस 3m, ए डिवाइड बाई टोटल का टोटल 3। तो एस क्या निकल करके आएगा कि 2/3 एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 माइनस 3m। ठीक है, अब देखिए एन यहाँ भी है, इस वाले टर्म में भी एन है और यहाँ भी एन है, तो इस एन को हम कॉमन ले लेते हैं। तो एस एन कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, 2n डिवाइड बाई 3 और बचेगा यहाँ पे एन प्लस वन, 2n+1 माइनस में 3, ये बच जाएगा। फिर इसको देखते हैं आगे सॉल्व करके कितना आता है, एन अपॉन एन को बाहर कर दो, एन अपॉन 3 बचेगा क्या हमारे पास, 2n+1 2n+1 फिर 2n+1 माइनस ये 3। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि एन अपॉन में 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, 2n+1 2n+2 2n+2 और ये क्या बचा हमारे पास, 2n+1 माइनस 3। तो एन अपॉन 3 और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो बचा क्या हमारे पास, 4n² प्लस 2n प्लस 2n प्लस 4n और प्लस 1 और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे और माइनस में ये 3। तो बचा क्या हमारे पास कि n अपॉन में 3, 4n² प्लस 4n प्लस 2n ये 6n और प्लस 2 माइनस 3। तो फाइनली हमारा आंसर क्या हुआ, देख लेते हैं इसको, n अपॉन 3 4n² प्लस 6n माइनस में 1, ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। तो सम क्या आएगा, सम क्या आ गया हमारा, एन अपॉन 3 4n² प्लस 6n माइनस में 1, ये हुआ हमारा इसका टोटल सम, ये निकल कर गया है। ठीक है, तो ये देखिए एक बार फिर से मैं आप लोगों को समझा देता हूँ कि यहाँ तक फिर सेम मैंने वही किया कि ये दो सीरीज में है तो दो सीरीज में हमने इसको अलग अलग सेपरेट कर दिया। तो हमने पढ़ा था कि स्क्वायर सम ऑफ फर्स्ट स्क्वायर नेचुरल नंबर, तो सम ऑफ स्क्वायर नेचुरल नंबर क्या था कि एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई 2। तो इसकी जगह पे हमने पूरा का पूरा ये वैल्यू रखा, ये एन इंटू एन प्लस वन, 2n+1 डिवाइड बाई 6 ये वैल्यू रखा और 4 को हमने क्या किया बाहर कर दिया। और फिर ये टर्म क्या जा रहा है, माइनस का साइन, ये माइनस आ गया यहाँ पे और ये एन कहाँ तक जाएगा, एन टर्म तक जाएगा, तो 1 इंटू एन हो जाएगा। फिर वही 2/3 एन इंटू एन प्लस 1 और माइनस का 1 इंटू एन एन ये 3, क्योंकि ये 2 2 2 4 2 3 6 ये कैंसिल होकर आएगा, 2/3 ये कैंसिल होकर के आएगा। फिर वही कहानी कि 2n एन प्लस वन, 2n+1 और इसको हमने क्या किया मल्टीप्लाई कर दिया, तो मल्टीप्लाई जब किया तो ये क्या आ गया 3n आ गया। और फिर 3n को फिर n हमने यहाँ से, n यहाँ पर भी है, देखिए n यहाँ भी है और n यहाँ भी है और इन दोनों में से हमने n को कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया हमने तो बचा क्या हमारे पास, n प्लस वन फिर 2n+1 और माइनस में ये 3, 3 बच गया हमारे पास। ठीक है, तो ये 2n डिवाइड बाई 3। अब ये 2n डिवाइड बाई 3 जब आ गया तो देखिए n अपॉन में 3 को हमने बाहर किया और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 2n + 2 × n+1 फिर 2n+1 माइनस में 3, फिर हमने 2n 2 से n+1 को मल्टीप्लाई किया तो n इंटू 2 2n और फिर प्लस 1 इंटू 2 तो क्या आ गया 2 और फिर 2+n एज इट इज हमने लिखा, फिर माइनस का ये 3, फिर n अपॉन 3 और इन दोनों को हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो 2n मल्टीप्लाई 2n तो 2n 2n 4n² 2n+1 तो 2n 2+2n तो 4n और प्लस 2 और प्लस 1 दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आ गया यहाँ पे 2 और ये माइनस में यहाँ पे 3। तो n अपॉन 3 4n² 4n+2n 6n और प्लस का ये 2 और माइनस में 3 तो बचा क्या हमारे पास कि n अपॉन 3 4n² प्लस 6n और 3 - 2 1, ये हमारा फाइनली सम, ये आंसर निकल कर गया है, ये हमारा आंसर हुआ। तो ये हमारा हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के एग्जाम्पल के जितने सारे हमारे स्टडी मटेरियल सीएमए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में जितने सारे एग्जाम्पल के क्वेश्चन थे वो हमने आज खत्म कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन में, उसमें भी 7 या 8 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का क्वेश्चन, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।